गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं संतोष भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचली पहाड़ी रसोई में। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज आज मैं जा रही हूँ अपने रूम। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने घर जा रही हूँ, 10 से 12 दिन मेरे को यहाँ पर हो चुके हैं शायद। तो अब अपने अपने रूम को देखा जाए जरा क्या हाल चाल है हमारे रूम के। तो बस मैं खुद रेडी हो चुकी हूँ, साईं और साईं के पापू रेडी हो चुके हैं और आज दोनों के एक जैसे सूट है। हेलो साईं और साईं के पापू। आज दोनों ने व्हाइट सूट डाल रखे हैं इन लोगों ने। और मम्मा दे रहे हैं खाना, ये देखिए, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं और हमारे खाली पेट घर से जाना अशुभ मानते ना, तो बस इसीलिए। तो बस साईं के पापा अब खाना खा रहे हैं, मैंने तो खा लिया है, खैर खाना बस ये खाना खा ले फिर हम निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो मम्मा मेरे को छोड़ने आए थे अभी यहाँ तक ना, और अब हमारा सफरनामा हो गया है शुरू घर जाने का। पता नहीं, मैंने वो वाली क्लिप शूट भी नहीं की, तो मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था ना, तो इसी वजह से। तो अब आप लोगों से मिलते हैं आगे ही जाके। मैं सुनने का कुर्सी में बातचीत कर ली, थोड़ा सा मूड भी मैं काफ़ी मेरा फ्रेश हो जाएगा ना। तो बस यही है, ज़्यादा क्या बोलना। आजकल ना फ्रेंड्स, चारों चार घास लगा हुआ है, हरा घास। हमारे गांव में इतना घास उगा हुआ है, ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली। तो फ्रेंड्स, बात करें हमारे गांव की, तो ये देखिए यहाँ नीचे हमारा गांव है और यहाँ से नीचे से रास्ता है। और मेरे पापा और डुगू भी आ रहे हैं नीचे से, हमारे को छोड़ने आ रहे सड़क तक। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं सड़क में और पापा सड़क तक छोड़ने आ रहे हैं हमारे को। और हमारे को छोड़ने जा रहा है भाई, क्योंकि हमारी जब लड़की आती है ना तो अकेले नहीं भेजते, कोई ना कोई जाता है घर से। तो इस बार जा रहा है हमारा भाई हमारे को छोड़ने। बोलते चल, इस बार मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हारे को। तो हम अपने भाई की गाड़ी में ही जा रहे हैं। ये मेरा भाई पर खड़ा है ना, ये मेरे हस्बैंड बैठा हुआ है भाई की गाड़ी में आगे। और ये बोला, बोलते मम्मा मैंने चलानी गाड़ी, साईं आप गाड़ी चला रहे हो। अच्छा, और ये देखिए पापा भी पहुँच गए सड़क में डुगू के साथ। और बस अब हम लोगों ने निकलना है, तो अब रवानगी हो रही है सड़क से हमारी ना, अब चलते हैं। मैं कहा काफ़ी दिन हो गए मेरे को मायके में आए हुए, तो मेरे हस्बैंड मेरे को लेने आए थे। बोलने को बहुत दिल कर रहा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कि मैं क्या बोलूँ। थोड़ा सा मूड भी ऑफ है यार, है मतलब पता नहीं क्यों, पर है थोड़ा ना मुझे लग रहा है। तो चलिए पापा गिर से आखिरी बार मिल लेते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। और सब बैठ गए गाड़ी में, ये देखिए। और अब हमारी सवारी निकल रही है, साईं कर रहा है नानू और नानी को बाय अपनी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों से थोड़ा थोड़ा मतलब अपने गांव का नज़ारा भी बताते रहेंगे सड़क का, और चलते भी जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में और रूम इतना गंद पड़ा है, अब करते हैं थोड़ी बहुत ही सफाई, चलते हैं अगले रूम के लिए। और ऐसा ही पड़ा है, ये देखिए मैस ही पड़ा है सारा रूम। ये देखिए सारे बर्तन मेरे साफ करने को है और मेरे को ना यार बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आ गई मैं किचन में और मैंने बर्तनों को मांजना सबसे पहले शुरू किया, क्योंकि पहले सबसे पहले मेरे को बर्तन ही साफ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही सारा काम हो पाएगा ना, तो इसलिए मैं बर्तन।
करके फारिग हो गई हूँ, बट अभी बहुत कुछ करने को यार, इतना गंदा पड़ा हुआ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैंने देखी, मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए, मैं आप लोग बैक कैमरे से बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बर्तन क्या सब कुछ साफ़ कर लिए हैं और अभी भी बहुत कुछ है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी लूँगी पहले, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो अब चाय से ले लेती थोड़ी सी एनर्जी ताकि बाकी काम किए जा सके, क्योंकि घर में काम करने को बहुत ज़्यादा यार। अब मैं जो है गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ, गैस वगैरह मतलब किचन को एकदम टच कर देती हूँ ताकि खाना बना जा सके, क्योंकि इतने घर में तो खाना भी नहीं बन सकता यार, क्योंकि 16 दिन से लेकर ना मेरा रूम बंद था ना। तो चलिए फिर फटाफट से चाय भी पीते हैं और बाकी काम भी कर लेते हैं फटाफट से। तो अब मैंने जो है सब कुछ साफ़ करना शुरू किया, मैं का पोछा दे देती हूँ अपना गैस के पास। तो जो मेरी ग्लास की ट्रॉली थी उसके नीचे मैंने साफ़ किया ताकि मैं ट्रॉली को यहाँ पर एडजस्ट कर सकूँ ना। और इसके बाद जो है मैंने इसमें ग्लासेस रखने शुरू किए, मैं कहा कि मैं ग्लासेस इसमें रख देती हूँ। आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहे आप लोग।